नमस्कार दोस्तों, केकेआर के खिलाफ ऋषभ पंत कर सकते हैं प्लेइंग 11 में बदलाव। इन खिलाड़ियों को दिखाना होगा दम। तो जाने क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। केकेआर के खिलाफ दिल्ली अपने किन 11 अंदर खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहेगी। पहले नंबर पर आते हैं पृथ्वी शो। साल 2018 से दिल्ली कैपिटल्स के प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे पृथ्वी शो डीसी का वे एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही आईपीएल 2022 में पहले भी दिल्ली ने इनको रिटेन किया था। वही आईपीएल 2022 में अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में मुंबई और लखनऊ के खिलाफ पृथ्वी शो के बल्ले ने आग उगली है। तो इस मुकाबले में हमें पृथ्वी शो खेलते नजर आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर एक बार फिर आईपीएल में अपनी पूर्व फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ गए हैं। साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ डेविड वार्नर एक्शन में भी नजर आ रहे थे। हालांकि लखनऊ के खिलाफ वार्नर ने 12 गेंदों खेलकर मैच 3 रन बनाए थे और रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन डीसी अपने स्टार खिलाड़ी को बैक करना चाहेगी। वार्नर भी केकेआर प्लेइंग 11 में जरूर अपनी जगह बनाएगी। वहीं तीसरे नंबर पर हमें ऋषभ पंत खेलते नजर आ सकते हैं। वहीं चौथे नंबर पर हमें रोमन पावेल खेलते नजर आ सकते हैं। पावेल खेले गए 3 मुकाबलों में कुछ खास नहीं कर पाए या खुद को साबित करने में तो खूब ही नाकाम रहे, लेकिन पावेल अपनी पावरफुल हीटिंग से कभी भी मैच को पलटने का दम रखते हैं। ऐसे में डीसी इनको केकेआर के खिलाफ एक और मौका देना चाहेगी। वहीं पांचवें नंबर पर हमें सरफराज खान खेलते नजर आ सकते हैं। वहीं छठे नंबर की बात करें तो हम ललित यादव खेलते नजर आएंगे। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के काफी समय के प्रतिनिधित्व करने वाले ऑलराउंडर ललित यादव मुंबई के खिलाफ पहले मैच में टीम के हीरो रहे थे। सातवें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल आईपीएल 2022 में अब तक अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। हालांकि पहले मैच में इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 रन बनाकर मैच विनिंग पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद भी यह खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा योगदान नहीं कर पाए। आठवें नंबर की बात करें तो यहाँ हमें शार्दुल ठाकुर खेलते नजर आएंगे। लॉर्ड ठाकुर के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले शार्दुल ठाकुर इस बार आईपीएल में दिल्ली कैपिटल के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। शार्दुल ने मुंबई के खिलाफ पहले मैच के अंत में आखिर 22 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं नौवें नंबर पर हमें कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। इस बार अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम से किसी से सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो कुलदीप यादव है, जिन्होंने अब तक 3 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। वहीं दसवें नंबर पर हमें एनरिच नॉर्थ किया खेलते नजर आएंगे। दक्षिण अफ्रीका के घातक तेज गेंदबाज और आईपीएल में पिछले 2 सालों से दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे एनरिच नॉर्थ किया इस बार भी आईपीएल में डीसी के लिए खेल रहे हैं। और 11वें और आखिरी नंबर पर हमें मुस्तफिजुर रहमान खेलते नजर आएंगे, जो कि बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल का अच्छा तजुर्बा रखते हैं। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।